Hey, welcome back. आई धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस डॉक्टर दोस्त आज जो मैं आपको दे रहा हूँ ना इसकी कल्पना भी आपने नहीं किया होगा इतना मजेदार चीज दे रहा हूं इतना बढ़िया दे रहा हूँ कि आप बोलोगे वाहू सर आज तो मजा आ गया आज का वीडियो ना पूरा मजे से कॉपी कलम लेकर बारी के बारीकी सीखना अगर आज तुम्हें बोलना ना सिखा दिया ना तो फिर कहना कि हाँ सर आपने प्रॉमिस किया था आज जो मैं दे रहा हूँ ये पूरे लाइफ का ये पूरे यूट्यूब का ये निचोड़ है बस एक एक कर बारीकी से देखना आपको आज ही पूरा का पूरा एक भाव समझ में आ जाएगा आइडिया समझ में आ जाएगा और बस आप करो तो कॉपी कलम निकालो निकालो प्रॉपर्ट कॉपी निकालो और निकाल कर बस शुरू हो जाओ मेरे साथ और एक एक पार्ट में करने का प्रयास करो और आज ही वीडियो के समाप्त होते होते आप बताना कि आपका नजरिया आपका तरीका चेंज हुआ या नहीं हुआ मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी सोचना स्टार्ट करते हैं आज से मार्केट में छा जाना देखते हैं कौन से हमने कहा डे टू डे कोलोक्यूअल वर्ड्स डे टू डे स्पोकन इंग्लिश यानी कि दिन प्रतिदिन अंग्रेजी हम क्या बोलते हैं तो टोटल आठ चीजों पर चर्चा करते हैं रोज डेली डेली का तरीका है कि हम लोग टोटल आठ चीजों पर चर्चा करते हैं पहला तरीका है एड्रेस जब आप किसी को सुबह से शाम जब होता है तो आप क्या करते हो पहले किसी ना किसी को एड्रेस करते हो एड्रेस कैसे करते हैं एक एक कर डिस्कस करूंगा पहले मैं पॉइंट दिया हूं जिस पॉइंट पे हम लोग सुबह से शाम तक फ्रॉम डस्ट टू डाउन टिल मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से लेकर के टिल इवनिंग तक हम लोग जो बोलते हैं उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम किसी को एड्रेस करते हैं संबोधित करते हैं सुरेश महेश दिनेश बोलते हैं एड्रेस के बुलाते हैं फिर सुबह से शाम तक कभी ना कभी एंगर हो जाते हैं कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है तो एंगर पे क्या बोलेंगे एड्रेस में क्या बोलेंगे और फिर कभी कभी गुस्सा ज्यादा बढ़ गया गुस्सा ज्यादा हो गया तो एब्यूसि वर्ड किसी को गाली ग्लॉज भी कर देते हैं तो कैसे गाली दें अंग्रेजी में कैसे एंगर गुस्सा हो अंग्रेजी में कैसे अब्यूसिव वर्ड बोले अंग्रेजी में है ना फिर है डिसपोजिशन या नेचर यानी कि हर व्यक्ति किसी से असहमति होता है उसका कैरेक्टर क्या है उसका नेचर क्या है तो उसको हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे उस पर भी चर्चा करूंगा आज इसी वीडियो में अगला हम कहा इनकरेजमेंट यानी कि आप किसी को उत्साहित करते हो कोई बुरा काम कर दिया आप बोलते हो कोई बात नहीं सब अच्छा हो जाएगा इनकरेजमेंट यानी आप किसी को इनकरेज करते हो अब आगे देखते हैं कि आप किसी चीज़ में एक्सप्लामेशन करते हो कोई लॉस हो गया कोई हानि हो गया कोई प्रॉफिट हो गया तो ये क्या करते हैं एक्सक्लेम्ड करते हैं तो एक्सक्लामेशन फिर हम क्या करते हैं किसी को फेवर करते हैं किसी का आपने फेवर कर दिया किसी को फेवर कर दिया तो उसका भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो फेवर कर दिया एक्सक्लामेशन कर दिया फिर क्या करते हैं हैप्पीनेस यानी कुछ खुश होता है तो हैप्पीनेस व्यक्त करता है तो ये आठ चीजों पर सुबह से शाम तक हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं कॉपी निकालो और अभी एक एक पर चर्चा करते हैं और आइए देखते हैं इस पर चर्चा एड्रेस को क्या कैसे बोला जाए अब यहां पे क्या करना है हमने एक लिया एड्रेस अब एड्रेस को हम कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं टाइम नहीं इसको स्क्रीन शॉट लेना है और स्क्रीन शॉट लेकर के देख लो और फिर मैं इसको लेकर समझा देता हूं तो यहां पे हमने कहा कि एड्रेस करना है यानी किसी को संबोधित करना है तो हमने कहा जेंटलमैन से आप किसी को संबोधित कर सकते हो जेंटलमैन या फिर हाई फॉक्स हाई फॉक्स आप कह सकते हो हाई गाइज हाई गाइज है ना आप बोल सकते हो लेडीज एन जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन आप एड्रेस कर सकते हो यंग मैन यंग आप कर सकते हो सर मैडम आप कर सकते हो माय फ्रेंड इस तरह से आप किसी को भी एड्रेस कर सकते हो अब किसी को भी आप एड्रेस कर सकते हो इस तरह के शब्दों से अब प्रश्न उठता है जेंटलमैन तो आपने कहा अब आप कोई सेंटेंस बोलना है तो जेंटलमैन का मतलब हुआ जेंटलमैन वी ऑल आर हेयर टू डिस्कस द मैटर तो जेंटलमैन मतलब भाइयों जेंटलमैन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको यानी कि उपस्थित सभी लोग क्या बोलते हैं जेंटलमैन उपस्थित यहाँ पे सभा के सारे लोग तो हम क्या बोलेंगे जेंटलमैन वी ऑल आर हेयर टू डिस्कस दिस मैटर यानी कि जेंटलमैन कह करके हम किसी व्यक्ति को एड्रेस कर सकते हैं क्लियर हुआ अगर देखिए हाई फॉक्स हाई फॉक्स का मतलब आई एम योर न्यू फ्रेंड हाई फॉक्स तो हाई फॉक्स एक इनफॉर्मल वर्ड है यानी अपने दोस्तों के साथ यानी जो दोस्त हैं उनके साथ हाई फॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं तो हमने क्या कहा हाई फॉक्स आई एम योर न्यू फ्रेंड मेरे दोस्त मैं तुम्हारा नया दोस्त हूं तो कुछ ग्रुप दो चार दस दू का ग्रुप है उसको हाई फॉक्स बोल सकते हैं तो आपने क्या किया आप आ रहे थे चार पांच लोग ग्रुप था आप बोला हाई फॉक्स आई एम योर फ्रेंड अगला गाइस, हाय गाइस का मतलब होता है कि जो भी लड़का लड़की दोनों का ग्रुप वह ग्रुप जहाँ मैन और वुमेन दोनों हो वह ग्रुप जहाँ बॉय और गर्ल दोनों हो उसके लिए बोलेंगे हाय गाइस आई एम धर्मेंद्र हाय गाइस आई एम सुधीर हाय गाइस आई एम रीता आई एम सीता आई एम रीता तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो हमने बोला हाय गाइस लगा के आई एम तो, मतलब और आई एम धर्मेंद्र आई एम सुधीर तो हाय गाइस का मतलब हुआ मैन और वुमेन दोनों आपने एड्रेस किया दस के ग्रुप में है वहाँ लड़का भी है लड़की भी है आप उसमें ए, जो है उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो हमने बोला हाय गाइस आम धर्मेंद्र तो इस तरह से कर सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन तो लेडीज एंड जेंटलमैन भाइयों और, और बहनों तो भाई जब देखते होंगे कोई भी लीडर भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं लेडीज एंड को वेलकम आप कर सकते हो तो लेडीज एंड जेंटलमैन यंग मैन है ना आई एम टॉकिंग टू टॉकिंग टू यू यंग मैन आई एम टॉकिंग टू गर्ल तो यंग मैन मतलब बिल्कुल जवान तंदुरुस्त व्यक्ति को आप यंग मैन बोल सकते हो आई हेलो यंग मैन आई एम टॉकिंग टू यू हेलो यंग मैन आई एम टॉकिंग टू यू तो यंग मैन मतलब कोई भी पुरुष जो कि स्वस्थ हो उसको हम यंग मैन बोल सकते हैं यंग लेडी बोल सकते हैं अगला कह रहा है सर या मैडम सर या मैडम आप किसी के लिए प्रो कर सकते हो चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो सब शिक्षित हो शिक्षित कहने का सेंस ये है कि कोई व्यक्ति अपने आप में कल्चर्ड हो सिविलाइज्ड हो उस व्यक्ति को आप सर या मैडम कह के संबोधित कर सकते हैं तो हमने कहा सर या e मैडम प्लीज़ लुक इन टू द मैटर सर मैडम हो सकते हो महिला हैं तो मैडम प्लीज़ लुक इन टू द मैटर इस मैटर को जान लें सर प्लीज़ लुक इन टू द मैटर अगला वर्ड है माई फ्रेंड माई फ्रेंड वुड यू डू मी अ फेवर तो माई फ्रेंड मेरे दोस्त मेरे लिए फेवर करोगे तो माई फ्रेंड वुड यू डू मी अ फॉर फेवर तो वुड यू माई फ्रेंड क्या काम हमने मेरे दोस्त तो मेरे दोस्त कह के भी किसी को आप संबोधित कर सकते हो अब देखते हैं हम लोग अगला चरण कि इसका एंगर में क्या प्रयोग करें हम लोगों को करना क्या अंग्रेजी बोलना आना चाहिए बस तो आपके लिए तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ a spoken अलग से प्लेलिस्ट है तो बस आज से शुरू हो जाना बोलना शुरू करो ना बस देखते हैं एंगर को कैसे व्यक्त करते हैं जब आपको गुस्सा आ जाए जब आपके अंदर गुस्सा हो तो कैसे व्यक्त करें हमने कहा आर यू क्रॉस विद मी आर यू क्रॉस विद मी तो आर यू क्रॉस विद मी क्या तुम मुझसे नाराज हो किसे बोलना है क्या तुम मुझसे नाराज हो आर यू क्रॉस विद मी दूसरा हमने कहा कर्स ऑन यू स ना हो तुम्हारा किसी को बोलना है हो तुम्हारा कर्स ऑन यू कर्स ऑन यू हो तुम्हारा डोंट हैंग अराउंड हेयर यहां मत खड़े रहो डोंट हैंग अराउंड हेयर यहां खड़े मत रहो डोंट हैंग ऑन हेयर यहां खड़े मत रहो चिल्ला के बोलते हैं हम लोग डोंट मेक फन डोंट मेक फन मजाक मत उड़ाओ डोंट मेक फन मजाक मत उड़ाना हमने कहा डोंट मेक सीन ड्रामा क्रिएट मत करो डोंट मेक सीन तमाशा मत करो डोंट मेक सीन ड्रामा मत क्रिएट करो डोंट मेक सीन तमाशा मत करो डोंट साफ चिल्लाओ मत डोंट साफ चिल्लाओ मत तो डोंट साउट चिल्लाओ मत ये एंगर को व्यक्त करने के लिए शब्द है कि जब गुस्सा आए हमने पहले एड्रेस को व्यक्त किया एंगर को व्यक्त किया अब देखते हैं अगला कैसे व्यक्त किया जाता है अब यहाँ पे हमने क्या करा गुस्सा करा अब गुस्सा एंगर हुआ तो बहुत सारे शब्द प्रयोग किए अब गुस्से में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अब शब्द बोल जाते हैं हालांकि बोलना नहीं चाहिए इस मुंह से कभी कोई गलत शब्द निकल जाते हैं गाली ग्लौज कर देते हैं तो गाली ग्लौज बचना चाहिए गाली ग्लौज के बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में लेकिन मैं आपको वही दो चार दे रहा हूँ जो सब है गाली है हालांकि गाली तो गाली है गाली तो नेगेटिव वर्ड है नहीं देना चाहिए बड़े खराब तो आप गंदे गंदे गाली है देना नहीं चाहिए वो किसी को गाली नहीं प्यार से बात करना चाहिए लेकिन अगर गाली देने का समय आ जाता है तो गुस्से में दिमाग नहीं काम करता तो दो चार वर्ड आने चाहिए जो सब गाली है उतना ज्यादा गंदा गाली नहीं है जैसे हमने कहा ब्लडी बास्ट तो ब्लडी बास्ट कहा तो मान लो कहा कमीना दोगला इंसल्टिंग है किसी को इंसल्ट करने के लिए हम ब्लडी बास्ट कह देते हैं गुस्सा में चिल्ला जाते हैं यू ब्लडी बास्ट तो कमीना दोगला ये वर्ड बोल देते हैं इंसल्ट नेचर का हो गया दूसरा वर्ड है अप योर्स, अप योर्स मतलब ऐसी तैसी ऐसी, ऐसी अप योर्स। तो हमने क्या कहा अप ऐसे ऐसी की? तैसी ये भी समझो कि गुस्सा को व्यक्त करने के लिए कभी बढ़े हमने कहा यू सन ऑफ बिच यू सन ऑफ बिच कुत्ते के बच्चे कुत्ते औलाद तो ये हम लोग गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं यू सन ऑफ बिच कुत्ते की औलाद ये भी काम चल जाता है यो करा यू स्वाइन कभी कभी क्या होता है कि एक महिला दूसरे महिला से लड़ जाती है या किसी महिलाओं को बोलने के लिए बोलता है यू स्वाइन मतलब सुअर आप यू स्वाइन के क्या हुआ सुअर तो ये सुअर के लिए आप इस कर सकते हैं है ना तो सुवर स्वाइन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं होता क्या है कि अंग्रेजी बोलने के लिए ना तरह तरह के वर्ड आने चाहिए और वो वर्ड अंग्रेजी में आप कैसे व्यक्त करें उसके लिए मैं आपको आपको हिंट कर रहा हूं, कर रहा रहा हेल्प जिससे आपको बोलने में आसानी होगी अगला देखते हैं अगला पर। कभी कभी गुस्सा अगर ज्यादा आ गया हो गुस्सा वाला एंगर बना दिया पहले ही लेकिन एक गुस्सा और होता है जो गुस्सा क्लाइमेक्स का होता है कभी कभी गुस्सा तेज आ जाए तो आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जब एक बार देख लो गुस्सा आ जाए बोलते गेट आउट फ्रॉम एयर गेट आउट फ्रॉम एयर गेट ऑफ फ्रॉम एयर तो गेट आउट या गेट ऑफ गेट आउट या गेट ऑफ इसका मतलब बाहर निकलो यहां से गेट आउट फ्रॉम गेट ऑफ है ना तो so गेट ऑफ बोले चाहे गेट आउट बोले बाहर निकलो गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट मेरी नजरों से दूर हो जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ गेट लॉस्ट हमने कहा गो टू हेल

बंद करो को हम शर्प कह सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज माइंड योर लैंग्वेज यानी अपनी बात नजरों पर ध्यान रखो माइंड योर लैंग्वेज अपनी बातों जुआन होल्ड योर टंग माइंड योर लैंग्वेज को होल्ड योर टंग भी कह सकते हैं अपनी जुआन काबू में रखो माइंड योर लैंग्वेज जो तुम बोल रहे हो ना ध्यान से बोलो अपने जुबान पे काबू रखो होल्ड योर टंग होल्ड योर टंग अब देखो वाट दिस नॉन क्या बदतमीजी है वाट दिस नॉन क्या बदतमीजी है यहां पे देखो जगत में लिख दिया हिंदी तुम लिख लो बिहेव योर सही ढंग से बाहर करो बिहेव योर Self. सही से व्यवहार करो और सही से काम करो बिहेव योर सेल्फ देखा आपने ये कितने तरीके और देखो भी और दिखाता हूं आपने. अब प्रश्न उठता है कि पे कैसे बोले? क्या है? का मतलब होता है आपका मन होना मतलब आपका नेचर कैसा है आपका प्रकृति कैसा है उसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोले तो हमने बोला डोंट गिव मी बुल्स डोंट गिव मी बुल्सिट मुझे चुतिया मत बनाओ डोंट गिव मी बुलशट मुझे चुतिया मत बनाओ एक्चुअली क्या है ना कि अंग्रेजी में तरह तरह के वर्ड आपको अगर नहीं सिखाऊंगा तो आप अंग्रेजी बोलोगे कैसे इसलिए मुझे ना तरह तरह चीज देना पड़ रहा है तो क्या कहा डोंट गिव मी बुल्सिट यहाँ पे मी को हमने बॉक्स में डाला है मी की जगह कुछ और भी हिम कर सकते हो डोंट गिव हिम हीट उसे चुतिया मत बनाओ तो इस तरह से वर्ड आप यहाँ पे मी है ही में कुछ भी आप कर सकते हो अगला हम बोला आई वॉन्ट बी एबल टू आई वॉन्ट क्योंकि विल नॉट को हमने वॉन्ट कहा आई एम नॉट भी कर सकते हैं तो आई वॉन्ट बी एबल टू मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा ऐसा नहीं कर पाऊंगा आई कॉन्ट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हो रहा आई कॉन्ट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसमें और भी आप आगे पीछे जोड़ देना तो नए नए सेंटेश हो जाएंगे हमने कहा आई डोंट फील लाइक मन नहीं कर रहा यार आई डोंट फील लाइक टू ग्रो देर आई डोंट फील लाइक टू टॉक टू आई

एंड बुल स्टोरी कहानी पता है जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में एक एक बच्चों के साथ इसको शेयर करो क्योंकि सबको जरूरत है अब अगला देखते हैं अगला क्या कहता है किसी को इनक्रेज करना हो अंग्रेजी में आप चाहते हो किसी को साबासी दे कैसे करेंगे भाई तो इंकरेज करना हो इंकरेजमेंट हमने डाल दिया है तो आप बोलो ब्रे भो ब्रे भो ब्रेवो शाबाश मेरे शेर ब्रेवो सावस मेरे शेर ब्रेवो करके सावस दीजिए शाबास मेरे शेर ब्रेवो का मतलब कहना क्या चाहते हैं शाबास मेरे शेर आपने कहा हैट्स ऑफ यार है, हैट्स ऑफ मतलब अभिवादन करके बधाई देना हैट्स ऑफ यार हैट्स हैट ऑफ मतलब अभिवादन भी किया और शाबासी भी दिया हैट्स ऑफ हमने कहा कीप इट अप कीप इट अप मतलब शाबास बहुत अच्छा कीप इट अप मतलब कंटिन्यू रखो बहुत अच्छा कीप इट अप शाबाश बहुत अच्छा वेल well डन बहुत बढ़िया वेल well डन बहुत बढ़िया वेल well डन बहुत, well बहुत बढ़िया हमने कहा कॉन्ग्रेट्स या कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेस या कॉन्ग्रेट्स मुबारकें मुबारक बहुत बढ़िया हो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेस कॉन्ग्रेट्स इस तरह से आप किसी को इनकरेज कर सकते हो उसका हौसला बढ़ा सकते हो आगे देखते हैं हमने सारा चीज ना इतना अच्छा से एक सिस्टम बना के दे रहा हूं बस इसको क्रांति लाने की दे रहा है अगला देखो क्या कहता है एक्सलामेशन के ना बहुत सारे शब्द हैं एक्सलामेशन आपने कभी पढ़ा होगा ग्रामर तो इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ ए सडन वह शब्द जो दिमाग में अचानक से आ जाता हो अचानक से दिमाग में कुछ भर गया अचानक से आ गया जो बोल गए वही इंटरजेक्शन है और उसी को एक्सलामेशन कहते हैं इसका एक साइन होता है ऐसा जैसे हम बोला आह ओह औच तो हमने बोला ग्रेट ग्रेट एक्सलेंट ग्रेट एक्सलेंट ये सब क्या है एक्सलामेशन है ओ नेगेटिव वर्ड है ओ गॉड ओ हिवेन वो गॉड हे भगवान है ना ओ माय गुडनेस ओ तेरी के बोलते ना तेरी यानी ओ माय गॉड गुडनेस को ओ तेरी बोलते हैं आउच नेगेटिव वर्ड है आउच मतलब कहीं दर्द है पेन है तो आउच बोल देते हैं धत तेरे की बोलते ना सिट ये भी हो गया सिट दत तेरे की है ना वाव कोई सुंदर वस्तु देख लिया वाव है ना इस तरह से आप एक्सलेमेशन को प्रयोग कर सकते हैं अगला देखते हैं मजेदार सा यहाँ पे हमने देखा कि जब आप किसी चीज को प्रयोग करते हो जब आप यूज करते हो आप खुश हो अंदर से अंदर किसी खुशी हो रही बिल्कुल खुश हैं तो आपने बोला आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी टू से समथिंग आई एम हैप्पी टू मीट यू आई एम हैप्पी टू डू समथिंग तो आई एम हैप्पी बोल करके आप हैप्पीनेस को व्यक्त कर सकते हो हैप्पीनेस क्या है आपकी खुशी को जाहिर करता है आई एम ओवरवेलम्ड विथ जॉय मैं खुशी से भर गया हूं मेरे अंदर खुशी भर गई है आई एम ओवर वेल्ड विथ ज्वाय यानी खुशी से ओवरवेलम तो चार से फैल गया मेरी खुशी का ठिकान नहीं है आई एम ब्लेस्ड मुझे मेरे मुझ पर ना ईश्वर की कृपा है आई एम ब्लेस्ड मुझे ईश्वर की कृपा है आई एम थ्रिल्ड मैं रोमांचित हूँ आई एम थ्रिल्ड मैं अंदर से रोमांचित

मेरे दोस्त मैं एक बात करना चाहता हूं इसमें एक वर्ड फेवर भी है जैसे कोई फेवर है हमने कहा आई वुड लाइक टू है आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू तो जब भी कोई चीज़ काम करना हो तो स्पीकिंग के लिए तरह तरह के वर्ड प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है आपको क्या करना है किस वीडियो को ना हर एक बच्चे को जिनको ज़रूरत है चाहे वो कहीं भी हो आपका मित्र मित्र के मित्र या जितने भी हिंदुस्तान में हो हर बच्चे को जरूरत होती है स्पीकिंग करना और वो चाहता है बोलना तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका फेवर कर रहा हूँ और आप उन सारे बच्चों का फेवर करें जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुँचा है उनको दीजिए उनकी मदद करिए उनकी मदद की आवश्यकता है उनको मदद करके सिखाइए अंग्रेजी राइट इंग्लिश इस वीडियो को फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब आपने तीस लाख किया और चालीस लाख करोड़ करने वाले हैं आप इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और हां एक बहुत बड़ी फैसला दे रहा हूं दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली आकर के भी क्लास फेस टू फेस मेरे से पढ़ सकते हो नंबर टू नहीं आ सकते मोबाइल में डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके भी आप घर बैठे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं नहीं तो आप वेबसाइट पर जाइए www.dslenglish.com डब्लू इसके साथ साथ मुझे व्हाट्सअप करो डी का बुक्स चाहिए मुझे कॉल करो और कॉल करके आप घर बैठे भी सीखने का प्रयास करिए और फिर बेहतर क्लास लीजिए आने वाले क्लास आपके लिए है और वीडियो सिर्फ आपके लिए है थैंक यू वेरी मच